हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर। और आज का टॉपिक सबके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिकेट के बारे में कि इंडियन प्रीमियर लीग वर्ल्ड का रिचेस्ट लीग कैसे बना। मतलब इतने प्रॉब्लम्स आए, बीच में इतने इश्यूज टैकल करने पड़े, बट फिर भी करंटली अगर आप देखें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है आईपीएल और वन ऑफ द रिचेस्ट लीग्स है। तो ये कैसे बना, कैसे ये यहाँ तक पहुँचा और कैसे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि फॉरेन प्लेयर्स की टीम सिलेक्शंस में भी, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या और किसी कंट्री के टीम सिलेक्शन में बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक पैरामीटर ये भी होता है कि उसका आईपीएल में उस इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस कैसा है। आप समझते हैं आखिर आईपीएल का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। तो आपको याद होगा 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2008 वही साल है जहां पे लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज का बट्टा बैठ गया था, इकोनॉमीज हिल गई थी कंट्रीज की, इतना ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। फिर भी आईपीएल डिसाइड हुआ था कि 2008 में ही होगा और वो एक बहुत ही मेजर सक्सेस था। उस बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस वाले सिचुएशन में भी आईपीएल एक बहुत बड़ा सुपरस्टार निकल के आया था, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो इनिशियली आईपीएल का फॉर्मेट ऐसा बनाया गया था कि इसको लिंक किया गया था जो यूरोपियन की प्रीमियर लीग होती है कि वहाँ पे ईच जो भी ओनर होगा वो प्रॉपर बिड करेगा किसी प्लेयर पे, वो बिड को जीतेगा और वो प्लेयर उसकी टीम में आएगा। वैसे करके आप टीम्स फॉर्म करोगे, फिर वो टीम्स इंडिविजुअली एक दूसरे से लड़ेंगे, उनका इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स होंगे लीग स्टेजेस में, लीग स्टेजेस से जाके वो प्लेऑफ्स में जाएंगे। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम है, प्रीमियर लीग से अलग है थोड़ा क्योंकि उनमें प्लेऑफ्स और वैसा कोई सेटअप नहीं होता है बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ लॉट ऑफ गेम्स जिसके भी पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं वो जीत जाता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा हटके है, बट जो कॉन्सेप्ट इनिशियली ऑक्शनिंग का यूज़ किया गया था वो वहीं से उठाया गया था फुटबॉल मेजर लीग से और उसके बाद स्टार्ट हो गया था इंडियन प्रीमियर लीग का धमाका। और आपको याद होगा उस टाइम पे 2000 या 2010 के बीच में 50 ओवर क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला रहा, 20 ओवर क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं था और इसी का फायदा उठाया गया। और हमको मालूम पड़ा क्योंकि इन सबको पता था कि इंडिया में व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, इंडिया में अगर आप मिल्क करना चाहते हैं मनी बेस्ड आउट ऑफ क्रिकेट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यही यूज़ किया गया आईपीएल के क्रिएटर्स ने अपने दिमाग में कि इंडिया की जो पॉपुलेशन का क्रेज़ है टुवर्ड्स क्रिकेट, इसको यूज़ किया जाए, एक लीग फॉर्म की जाए ताकि ब्रॉडकास्टर का मनी बढ़े, व्यूअरशिप डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि लोग देखेंगे ही। एक तो शॉर्ट एंड क्रेजी फॉर्मेट होता था, 50 ओवर देख के लोगों को टाइम लगता था 7-8 घंटे, ये फटाफट 3-4 घंटे में खत्म होने वाली लीग और इतनी एक्साइटमेंट, इतने बड़े बड़े प्लेयर साथ में खेल रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा वो कॉम्बिनेशन साथ में क्रीज पे उतर रहा है। तो इट वॉज अ ड्रीम फॉर द व्यूअर्स और ये पता था आईपीएल के ओनर्स को या जिनने ये स्टार्ट किया था कि ये फायदा इन्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो। और इवन बीसीसीआई भी स्टार्टिंग में जब ये प्रपोजल दिया गया था उनको कि हम ऐसी लीग शुरू करने वाले हैं तो बीसीसीआई भी थोड़े से रिलेक्टेंट थे, उनको पता नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। लेकिन जब उन्हें सक्सेस देखा 2008 आईपीएल की, जो पहला आईपीएल हुआ था, उसके बाद तो वो भी बैम्बूजर्ड हो गए थे कि इतना ज़्यादा सक्सेस कैसे हो गया। बिकॉज वो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था कि इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, अगर वो बैकफायर हो गया तो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी चल रही है। लेकिन वो रिस्क लिया गया और आपको तो पता ही है आईपीएल का। और अब आंकड़ों में बात करूं तो आईपीएल की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है कि लगभग जो छोटी छोटी कंट्रीज की जीडीपी है ना, उससे भी ज़्यादा आईपीएल की वैल्यूएशन है। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कंट्री की जीडीपी से भी ज़्यादा किसी एक लीग की वैल्यूएशन है तो वो कहाँ होगा। आईपीएल की वैल्यूएशन 2019 में $6.7 बिलियन थी, जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो सिशेल्स, मालदीव्स और भूटान ऐसी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज़्यादा। फिर 2020 में क्या हुआ आप सबको पता ही है, कोविड आया, कोरोना सिचुएशन आई, बहुत सारे इकोनॉमीज को नुकसान हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक चीज़ कॉन्स्टेंट रही, वो थी आईपीएल की सक्सेस। 2020 वाले टफ सिचुएशन में भी आईपीएल बहुत अच्छी वैल्यूएशन हुई उसकी, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उस लीग। तो आईपीएल 2020 के अगर नंबर्स की बात करूं तो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था आईपीएल 2020 में वो था 4000 करोड़ रुपीस और व्यूअरशिप भी 25% बढ़ी थी। और कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि बीसीसीआई आईपीएल से लगभग 4000 से 7000 करोड़ कमाती है हर साल। और अब ये इतना बड़ा हिट हो चुका है कि आपको पता है कि 2022 में 2 और टीम्स ऐड होने वाली है, और ज्यादा मैचेस, और ग्रैंड, और ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा फायदा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बुरी हालत में, जो कि 2020 में कोविड आया, तो कैसे इनकी कमाई हुई। हमको क्या लगता है एज एन इंडिविजुअल, एज एन आउटसाइडर, कि कोई भी लीग या मैच की कमाई होती है विद द सेल ऑफ टिकट्स, कितनी ज़्यादा सेल टिकट्स की होती है उससे ही आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना बड़ा सक्सेस है लीग या नहीं है। लेकिन आईपीएल ऐसा नहीं है, उसकी सिर्फ कमाई टिकट सेल से नहीं होती है, इसके और भी कई फैक्टर्स हैं। जो आईपीएल के रेवेन्यू जनरेटिंग में मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर्स होते हैं वो है ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल राइट्स। तो 2018 में बीसीसीआई ने सा इंडिया को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे थे 5 साल के लिए ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ में। और दूसरा मेजर रेवेन्यू सोर्स जनरेटिंग है स्पॉन्सरशिप्स। सिर्फ स्पॉन्सरशिप से अंदाजा लगाया गया है कि आईपीएल में लगभग बीसीसीआई को 700 करोड़ का फायदा होता है। और ये जो सेंट्रल रेवेन्यू पूल है इसका बेसिकली अंदाजन है कि ये 2000 करोड़ के आसपास होता है और यही मनी होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग फ्रेंचाइजेस को। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आईपीएल फ्रेंचाइजेस पैसा कैसे कमाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 50% ऑफ द रेवेन्यू इनके पास होता है वो इनको सेंट्रल रेवेन्यू पूल से मिलता है जो कि बीसीसीआई इन फ्रेंचाइज टीम्स को देता है। और ये सेंट्रल पूल में ऐसा नहीं है कि इक्वली डिवाइड किया जाता है फ्रेंचाइजेस को पैसा, ये भी डिपेंड करता है काफी फैक्टर्स पे। तो अगर बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू ग्रैब करता है सेंट्रल रेवेन्यू पूल से जो फ्रेंचाइज है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे ज्यादा चंक ऑफ द मनी मिलता है सेंट्रल पूल से। तो अगर फिगर्स में बात करें तो 78% ऑफ रेवेन्यू जो था केकेआर का 2018 और 2019 के आईपीएल में वो 78% सेंट्रल रेवेन्यू पूल से आया था। तो केकेआर की वैल्यूएशन एज फ्रेंचाइज आप देख सकते हैं। अब रीजन क्या है आपको पता ही होगा, सुपरस्टार मेगा स्टार शाहरुख खान की टीम है भाई, बात तो बनती है। और उसी 2018 से 19 के ड्यूरेशन में किंग्स 11 पंजाब किंग्स, ये लोग अपना नाम बदलते ही रहते हैं, पता नहीं कौन सा इनका करंटली नाम है, उनको सिर्फ 377 करोड़ दिया गया था। तो ये वैल्यूएशन में भी आप देख सकते हैं और ये ऊपर नीचे होता रहता है। और लेकिन ये जो पैसा दिया जाता है 2 साल के लिए दिया जाता है। तो आपका सेंट्रल पूल में से जो भी शेयर होगा वो 2 साल के लिए डिसाइड हो जाता है कि आपको इतना शेयर मिलने वाला है। और जो आईपीएल फ्रेंचाइजेस का रेवेन्यू और जगह से आता है वो लगभग 20 to 30% आता है स्पॉन्सरशिप से। आप देखते होंगे इन लोग के टी शर्ट्स पे दुनिया भर के स्पॉन्सर्स रहते हैं, तो ये स्पॉन्सरशिप से इनको 20% ऑफ द मनी आता है। लेकिन ये इसमें 15 से 20% टोटल रेवेन्यू में गिरावट पाई गई थी 2020 के आईपीएल में, बिकॉज आपको पता है सिचुएशन ऐसी थी कि कांटेक्ट नहीं कर सकते लोग, किसी को अप्रोच नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप से बहुत ज्यादा फायदा फ्रेंचाइज को नहीं हुआ। और आईपीएल टीम्स का लगभग 10% ऑफ द रेवेन्यू टिकट सेल से आता है। तो 2020 में जब हालत ऐसी थी तो काफी ज्यादा कट हुए थे, काफी ज्यादा रिडक्शंस किए गए थे प्राइजेस में। इन लोगों ने आईपीएल टीम्स ने अगर जिनके जो भी होम लोकेशन है, जैसे पंजाब का मैच पंजाब में हो रहा है या वैसे कोई होम ग्राउंड वाली सिचुएशन है, तो इन लोगों ने टिकट सेल्स के प्राइस फिक्स कर दिए थे कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज 2020 में इन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। तो थोड़े इन्हें मेजर्स लेने पड़े थे क्योंकि 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम्स का टिकट सेल से भी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके बीच में डीलिंग कैसे होती है बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम्स के बीच में। तो आप जो एड देखते होंगे मैचेस के बीच में, अगर वो 10 सेकंड का एड है तो वो भी 12.5 लाख कॉस्ट करता है स्पॉन्सर्स को। और जो भी ये टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में ड्यूरिंग अ मैच, अब जैसे अगर केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हो रहा है तो मैच खत्म होने के बाद जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट होगा ऑन एडवर्टाइजमेंट्स ओनली, सिर्फ एड्स के वजह से, वो टोटल रेवेन्यू डिवाइड होता है बीसीसीआई में, और वो दोनों कंसर्निंग टीम्स में, जैसे इस केस में केकेआर और सीएसके में। और जो आईपीएल जीतता है उस पर तो पैसों की बारिश ही हो जाती है और उसको बीसीसीआई भी अलग से रिवॉर्ड मनी या काफी ज्यादा पैसा दिया जाता है जो कि उसके ओनर्स में और प्लेयर्स में बढ़ता है। और आईपीएल टीम्स रेवेन्यू जनरेट करती है थ्रू सेल ऑफ मर्चेंडाइज एज वेल, जो ये अपने टी शर्ट्स, जर्सीज, ट्रैक पैंट्स, किट, ये सब जो बेचते हैं, जो आप बहुत ज्यादा मर्चेंडाइजेस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शो करते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं, तो जितने लोग वो बाई करते हैं उसके सेल से भी इन टीम्स को या इन फ्रेंचाइजीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब अगर इन सारे आईपीएल टीम्स के वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन पिछले 5 साल से 2020 तक की अगर मैं बात करूं तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा किसका नाम लेने वाला हूँ, मुंबई इंडियंस। तो जियो धन धनाधन, तो कमाओ धन धनाधन, 761 करोड़ की इनके वैल्यूएशन है, सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं पिछले 5 साल में। और सबसे लो वैल्यूएशन रेट की गई है राजस्थान की पिछले 5 साल में, जो कि अराउंड 249-250 करोड़ है। राजस्थान का भी इंसिडेंट ऊपर नीचे होता ही रहता है। राज कुंद्रा पहले इनके ओनर थे, अब आपको पता है वो कहाँ है और क्या क्या कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं, अब कहीं और ही खेल रहे हैं वो। तो इस वजह से राजस्थान बहुत ही नीचे है वैल्यूएशन में और मुंबई इंडियंस इज एट द टॉप। और वैल्यूएशन में सेकंड और थर्ड पोजीशन शेयर करते हैं ऑलमोस्ट केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स। ऑलमोस्ट इनकी इक्विवेलेंट वैल्यूएशन है अराउंड 600 करोड़ आई थिंक समथिंग, सी ए चेन्नई की है, और सेम अराउंड 500 to 600 करोड़ केकेआर की भी है। तो सबसे अगर लो वैल्यूएशन है, सबसे गरीब टीमें देखा जाए तो राजस्थान और पंजाब है। अब आपको पता होगा कि 2022 में जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसमें और 2 टीमें ऐड होने वाली हैं और ज़्यादा पैसा आएगा ब्रॉडकास्टर्स को, रेवेन्यू जनरेट होगा फ्रेंचाइजीज़ को। तो ये लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन 2 टीम के ऐड करने के बाद बीसीसीआई को लगभग 5000 करोड़ का रेवेन्यू का फायदा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है बीसीसीआई के लिए एज ए होल। और साथ ही साथ आईपीएल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती हैं, मैच फिक्सिंग के केसेस भी आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं। एक बार क्रिकेट की जब बात आती है तो लोग ज़्यादा फैक्टर्स को देखते नहीं हैं। तो मैंने आज कोशिश की आपको बताने के लिए कि आईपीएल कैसे एक रिचेस्ट लीग है और ये रुकने का नाम नहीं लेगा। अगले साल जब दो और टीमें ऐड हो जाएंगी तो ये बढ़ता ही जाएगा, और ज़्यादा इवॉल्व होगा, और ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो दुआ करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो बताइए। और भी ऐसे क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जहाँ भी है सुरक्षित है।